हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब परेशान रहते हैं कि बच्चों का पेट तो होता है मुट्ठी जितना, लेकिन पोषण उतना मिल नहीं पाता है जितना उन्हें चाहिए। कुछ भी थोड़ा सा खा लिया, उनकी भूख शांत हो गई और फिर बच्चे जल्दी से कुछ खाते नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा बहुत कम खाता है, तो अब ऐसे में इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। आज इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ, एक ऐसी टेस्टी और झटपट से बनने वाली रेसिपी जो आपके बच्चे को भरपूर पोषण देगी और उसकी हाइट और ग्रोथ बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेगी। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा चीला जो न्यूट्रिशन से भरपूर होगा और आपके बच्चे को हेल्प करेगा वेट गेन करने में भी और हाइट इंक्रीज करने में भी। तो ये चीला कहें, डोसा कहें, इस रेसिपी को देखने के लिए जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह की और रेसिपीज़ भी आपको YouTube पर जल्दी जल्दी मिल सकें। और अगर आप हैं हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप इंजॉय करते रहें डेली टेस्टी टेस्टी और झटपट से बनने वाली रेसिपीज़। चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लेना है 5 से 6 बादाम को रात भर भिगोने के बाद मैंने उनका छिलका उतार लिया है और उनको ले लेंगे। उसके बाद लेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच मसूर दाल, ये बिना छिलके वाली दाल जो होती है मसूर वाली, मैं वो ले रही हूँ। इसके बाद लेंगे मूंग दाल, आप मूंग दाल बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं और अगर आपके पास में छिलके वाली है वो भी ले सकते हैं। इसके बाद में लेना है 1 से 1.5 चम्मच बेसन और बेसन के बाद हम लेंगे इसमें 1 चम्मच के जितना चावल का आटा। अगर आपके पास में चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह 1 से 1.5 चम्मच चावल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमने ले लिया है बादाम, दाल, बेसन और चावल का आटा। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और ये जो हमने दाल ली है इसको निकाल लेंगे मिक्सर जार के अंदर और बहुत अच्छे से 2 से 3 बार दालों को हम वॉश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम निकाल चुके हैं एक मिक्सर जार के अंदर और दालों को वॉश करेंगे। जब हम दालों को वॉश करते हैं तो दालों के अंदर से जो झाग वाला पानी निकलता है वो बहुत हेल्दी नहीं होता है बच्चों के लिए। तो जब तक झाग वाला पानी निकले 2 से 3 बार में दाल बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाए तब तक हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। दाल वॉश हो चुकी है, अब जो ये बेसन और चावल का आटा है इसको भी हम निकाल देंगे मिक्सर जार में। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मिक्स सीड का पाउडर। जी हाँ, जो मार्केट में मिक्स सीड्स होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, उनका हमने हल्का सा भूनने के बाद पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, वो डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। और उसके बाद में डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितना दही, उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी काली मिर्च डालकर आधा गिलास के जितना पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे दाल को हमने बहुत टाइम भिगोया नहीं है इसीलिए हमें इसका एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब जैसे ही ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है इसको हम रख देंगे कम से कम आधा घंटे रेस्ट करने के लिए ताकि ये काफ़ी अच्छे से फूल जाए और जब हम डोसा बनाएं तो बड़ा ही अच्छा फ्लफी सा डोसा बनकर तैयार हो जाए। आधा घंटा हो चुका है, अब एक नॉनस्टिक तवा लेंगे, उसको हल्का गर्म करेंगे, उस पर लगाएंगे 1 चम्मच के जितना ऑयल और ब्रश की हेल्प से या फिर किसी भी टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको ग्रीस कर लेंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरह से सारे तवे पर चिकनाई अच्छे से लग चुकी है। अब इसके बाद में लेना है थोड़ा सा पानी और इस पर लगाएंगे छींटे। ऐसा करने से आपके तवे पर डोसा कभी भी चिपकेगा नहीं और अगर आप लोहे के तवे पर डोसा बनाएंगे तब भी इस प्रोसेस से बड़ी ही आसानी से आपका डोसा तवे से उतर जाएगा। अब ये जो बैटर अच्छे से फूल चुका है, एक करछी बैटर हमें उठाना है और ये देखिए इस तरह से तवे पर डाल देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपका तवा बहुत ही कम गर्म होना चाहिए, अगर तवा ज़्यादा गर्म होगा तो बैटर फैलेगा नहीं और चिपकना शुरू हो जाएगा करछी के साथ में, और अगर तवा ठंडा होगा तब भी बैटर फैलने में दिक्कत होगी। तो आपका तवा हल्का सा गर्म होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। बैटर को करछी की हेल्प से फैला दिया है, गैस के फ्लेम को रखा है लो टू मीडियम और आप देख सकते हैं डोसा नीचे से सिकना शुरू हो गया है। अब हमें लेना है 1 चम्मच के जितना ऑयल या फिर घी, आप जो भी चाहें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसके किनारों को हम इस तरह से हटाकर देखेंगे, आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से ये हट रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसके चारों किनारों को इस तरह से हटा लेना है चारों तरफ से। अब लेंगे एक पलटा और उसकी हेल्प से इसको हम पलट देंगे। आपके सामने सामने मैं इसको पलट के दिखाऊंगी, बहुत ही जल्दी से ये पलटा जाएगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अगर आप भी इस प्रोसेस से
डोसा बनाएंगे, पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे तवे को, फिर पानी से छींटे लगा के उसको साफ़ करके फिर डोसा डालेंगे, तो आपका डोसा भी झटपट से उतर जाएगा तवे से, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत ही क्रंची डोसा बनकर तैयार होगा। ये देखिए एक तरफ से कितना गोल्डन ये डोसा पक चुका है। अब हल्का सा तेल हम इस पर और लगाएंगे ताकि नीचे से भी ये अच्छे से सिख जाए। अब इस तरह से इसको हम घुमाएंगे ताकि सारा ऑयल डोसे के नीचे आराम से चला जाए और ऊपर से करछी से प्रेस कर करके भी हम नीचे से डोसे को बहुत अच्छे से सेक लेंगे। चलिए अब पलट के देख लेते हैं, नीचे से भी डोसा काफ़ी अच्छे से सेक चुका है। अभी दोनों तरफ से डोसे को अलटते पलटते हुए हमें काफ़ी अच्छे से सेक कर तैयार कर लेना है। ये देखिए बनकर हो चुका है ना तैयार, बिल्कुल कुरकुरा गोल्डन गोल्डन डोसा। अब इसको निकाल लेंगे हम प्लेट पर, बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा डोसा बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी छिड़कने के बाद में दूसरा डोसा भी इसी तरह से बनाकर हम तैयार करने वाले हैं। एक करछी बैटर फिर से हमें तवे पर फैला देना है और इसको भी हम करछी की हेल्प से चारों तरफ जैसे हम डोसा बनाते हैं इस तरह से फैलाते चले जाएंगे। ये देखिए बड़े ही स्मूथली ये फैलना शुरू हो गया है, बिल्कुल इस तरीके से जितना बड़ा आप डोसा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से फैला सकते हैं। ये देखिए दूसरा डोसा भी आपके सामने है, दोनों डोसे ही बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी झटपट से इस डोसे को बना सकते हैं, अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, उनको ये खास पसंद आने वाला है। 2 साल से लेकर 5 साल 10 साल तक के बच्चे को ये आराम से दिया जा सकता है। ये उनको टेस्टी भी लगेगा और उनको पोषण भी इससे भरपूर मिलने वाला है। दही के साथ में, किसी भी हरी सब्जी के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।